क्या आप वीडियो गेम खेलना पसंद करते हो तो यह वीडियो आपके काम का है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वीडियो गेम खेलने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शुरू करने से पहले हम वीडियो गेम की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो यह सब 1952 में शुरू हुआ जब ब्रिटिश प्रोफेसर एस डगलस ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ओ100 बनाया जिसे टिक टैक टो के रूप में जाना जाता है। फिर स्पेस वॉर 1962 में सामने आया जो पहला वीडियो गेम था जिसे कई कंप्यूटर इंस्टॉलेशन पर चलाया जा सकता था। 1972 में अटारी ने पोंगो को पेश किया जो पहला सही मायने में सफल व्यावसायिक आर्केड वीडियो गेम था। तब से गेम आर्केड सिस्टम से होम कंसोल, हैंडहेल्ड कंसोल और मोबाइल डिवाइस में विकसित हुई। आज वीडियो गेम 100 बिलियन डॉलर्स का वैश्विक उद्योग बनाते हैं। वीडियो गेम अक्सर कंप्यूटर तकनीक में सबसे आगे होते हैं और वे पिछले कुछ दशकों से हमारे संस्कृति का हिस्सा रहे। तो अभी हम जानते हैं वीडियो गेम खेलने के एडवांटेजेस। भले ही अधिकांश गैर खिलाड़ी द्वारा वीडियो गेम का प्रदर्शन किया जाता है, कई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पाते हैं कि वीडियो गेम के कई लाभ हो सकते हैं। उनमें से कुछ एडवांटेजेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एडवांटेजेस नंबर 1, बेहतर दृष्टि यानी कि बेहतर विजन। अध्ययनों से यह पता चला है कि वीडियो गेम खिलाड़ियों को अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट मिल सकते हैं, जैसे कि बेहतर दृष्टि। उन्हें ग्रे कलर की डिफरेंट शेड्स को डिस्टिंग्विश करने की क्षमता बढ़ाते हुए देखा गया है। वे खिलाड़ियों को आंदोलन की दिशा का नेत्रहीन पता लगाने की क्षमता बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। यह पाया गया है कि गेमर्स ने 80% समय तक अव्यवस्थित स्क्रीन पर लक्ष्य देखा जबकि नॉन गेमर्स ने केवल 30% समय में ही मैनेज कर पाए। एडवांटेज नंबर 2, ब्रेन बूस्टर। वीडियो गेम खेलने से ब्रेन के एरिया जैसे कि मेमोरी एरिया, स्पाइटल ओरिएंटेशन, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइन मोटर स्किल्स पर सीधे प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है खेल खेलने का महत्व भी बढ़ता जाता है। यह निर्णय लेने के कौशल में सुधार कर सकता है। नॉन गेमर्स की तुलना में फास्ट स्पीड गेमर्स प्रतिदिन समय बिताने के वाले गेमर्स प्रश्नों या परिस्थितियों पर 25% तक तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एडवांटेज नंबर 3, बेहतर जीवन कौशल। वीडियो गेम में जोखिम उठाना और रणनीति बनाने की क्षमता शामिल है। यह धैर्य, दृढ़ता और सही निर्णय सिखाता है। यह लोगों को नए दोस्तों और सोशल कॉन्टैक्ट खोजने में भी मदद करता है। इसके अलावा गेमर्स महत्वपूर्ण विश्लेषण में बेहतर हो जाते हैं और कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। एडवांटेज नंबर 4, मैं रेड्यूसेस एंग्जायटी एंड डिप्रेशन। यह पाया गया है कि जब लोग वीडियो गेम खेलते हैं तो वे अधिक आत्मविश्वासी, ऊर्जावान, इमोशनली पॉजिटिव होते हैं, जो कि डिप्रेशन के बिल्कुल विपरीत है। जो लोग उदास यानी कि डिप्रेशन महसूस करते हैं उनमें शारीरिक ऊर्जा की कमी होती है, दैनिक कार्य को करना भी मुश्किल होता है और आमतौर पर निराशावादी होते हैं। इस प्रकार से खेलना डिप्रेशन की जोखिम को कम कर सकता है और आर्थराइटिस में मदद कर सकता है। एडवांटेज नंबर 5, पेन रिलाइवर्स। अमेरिकन पेन सोसाइटी के एक अध्ययन अनुसार वीडियो गेम और विशेष रूप से 3D वाले शारीरिक दर्द के प्रति ब्रेन की प्रतिक्रिया को कम करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान खींचने वाला वीडियो गेम खेलने से व्यक्ति दर्दनाक गतिविधियों से विचलित हो सकता है और उन्हें पुराने दर्द की स्थिति में मदद मिल सकती है, खासकर बच्चों में। तो ये देखें कि गेम खेलने से क्या फायदे होते हैं। वीडियो गेम हमें उच्च स्तरीय सोच कौशल्य सिखाता है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति खराब हो सकती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडियो गेम्स। डिसएडवांटेज नंबर 1, एडिशन यानी कि लत। वीडियो गेम नशे की लत के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इसीलिए कुछ आत्मनियंत्रण होना आवश्यक है। विशेष रूप से खराब आवेग नियंत्रण वाले या जिनके पास कठिन समय है वे खेल की लत से सबसे अधिक असुरक्षित है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि लोग वास्तविक दुनिया की समस्याओं को पीछे छोड़ने वाले शून्यों को भरने के लिए खेल खेलते हैं। इस प्रकार के व्यसन से सावधान रहना बेहतर है क्योंकि अंततः आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। डिसएडवांटेजेस नंबर 2, सोशल सब्स्टिट्यूशन यानी कि सामाजिक प्रतिस्थापन। वीडियो गेम अक्सर वास्तविक समय के मानविक कनेक्शन के प्रतिस्थापन के रूप में कार्य करते हैं। जो लोग घंटों वीडियो गेम खेलते हुए खुद को पाते हैं वे अन्य लोगों के साथ अपने द्वारा बनाए गए रिश्तों से खुद को होते हुए पा सकते हैं।
लोगों का तर्क है कि इंटरनेट से जुड़े खेलों के साथ वे कभी भी घर छोड़े बिना मित्रों और परिवारों के साथ आसानी से घूम सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का वर्चुअल गेट टुगेदर वास्तविक आमने सामने बातचीत का कोई विकल्प नहीं है। डिसएडवांटेज नंबर 3, मोटापा यानी कि ओबेसिटी। नए अध्ययनों से ये पता चला है कि वर्चुअल प्ले पर हर घंटे लोगों द्वारा खर्च किए जाने से अधिक वजन होने का खतरा बढ़ सकता है। गति की कमी और अधिक खेलने से मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा इन खेलों की लत से नींद की कमी हो जा सकती है, जो मोटापे में योगदान करती है। डिसएडवांटेज नंबर 4, तनाव यानी कि स्ट्रेस। वीडियो गेम की लत साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अन्य स्तरों को जन्म दे सकती है। गेमर्स का कम आत्मसम्मान से पीड़ित हो सकते हैं, सामाजिक चिंताएं हो सकती है, यहाँ तक कि डिप्रेशन से भी पीड़ित हो सकते हैं। अत्यधिक गेमिंग भी अपराध बोध और शर्म की भावना से प्रेरित कर सकता है। यह संभव है कि अनियंत्रित गेमिंग अन्य मेंटल डिसऑर्डर्स के लक्षणों को बढ़ा भी सकता है। डिसएडवांटेज नंबर 5, शैक्षणिक प्रक्रिया को सीमित कर सकता है। हालांकि वीडियो गेम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग डिसीजन लेने की प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं और उन्हें खराब भी कर सकते हैं। जो छात्र अपने खाली समय का उपयोग वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं, उन्हें स्कूल कॉलेज के साथ तालमेल बिठाने के लिए कठिनाइयां हो सकती है। अधिकांश गेमर को अपनी पढ़ाई में देरी करते देखा गया है, या वे बस अपना पसंदीदा खेल खेलने के लिए एक समय सीमा को अनदेखा करें। डिसएडवांटेज नंबर 6, वॉयलेंस यानी कि हिंसा। अक्सर हिंसक वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे सेल्फ कंट्रोल की कमी और भावनात्मक उत्तेजना में वृद्धि दर्शाते हैं, जबकि हिंसक वीडियो गेम अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डाल सकते हैं। वे सभी संबंधित है, इसीलिए उन खेलों को चुनना बेहतर है जो आपको लगता है कि आप और आपके बच्चों दोनों के लिए उपयुक्त है। वीडियो गेम आपके लिए तब तक खराब नहीं है जब तक आप अति नहीं कर रहे, इसीलिए अपने डाउन टाइम का आनंद लें और अपने खेलों के साथ आराम करें, लेकिन वहाँ से बाहर निकले और अपने जीवन का यथासंभव विधि करें, क्योंकि आखिरकार आपको अपने जीवन का खेल जीतना है। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि आप पूरा दिन वीडियो गेम खेलो या वीडियो गेम खेलना ही छोड़ दो। आप अपना खुद का एक टाइम टेबल बना लो और इतने घंटे ही मैं रोज वीडियो गेम खेलूँगा, ऐसा खुद तय करो, और ऐसा करने से आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन करना।